फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिफा और आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। जो मेरे पास गोश्त है, हम रेशे वाले कबाब बनाएंगे। तो शामी कबाब बनाएंगे आज हम रेशे वाला। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो गोश्त है, 200 ग्राम दाल है। तो ये गोश्त देखिए मैंने इस तरीके का लिया है, इसमें हड्डी वगैरह कुछ नहीं है, एकदम रेशे वाली है, इसी से बनेगा। और यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं कुछ, इसमें प्याज लिया है मैंने और सौंफ ली है, इलायची ली है, लौंग लिया है, जायफल, जावित्री और धनिया है कुटी हुई, और काली मिर्च है और लाल मिर्च है। तो चलिए अभी इसे स्टार्ट करते बनाना। फ्रेंड्स, आज हम आलू डाल के बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिए हैं, बॉईल है ना, तो मैंने यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास फैट है, चर्बी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चलिए अब इसे स्टार्ट करते बनाना। तो फ्रेंड्स, इसको हम गोश्त को पहले कुकर में ले लेंगे और अब इसमें हम अपनी ये दाल डाल देंगे। चने की दाल मैंने यूज़ करी है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चने की दाल डाल दी है और अब ये सारे मसाले इसमें से मैं डाल दूँगी। अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी और ये चर्बी जो मैंने निकाली थी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। दाल गल जाने से उतना ही पानी यूज़ करना है और इसे 3 सीटी लगा लेंगे। इसमें नमक थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे देखिए 3-4 सीटियों के बाद ये अच्छी तरीके से गल चुका है मेरे गोश्त, और बोटियाँ भी अच्छी तरीके से गल गई हैं और दाल भी। तो फिर सब, चलिए इसे हम पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप प्याज काट लिया और 2-3 हरी मिर्च, और मेरे पास सूखा पुदीना है, उसको मैंने इस पर थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कीमा पीस लिया है दरदरा सा, और इसको इसमें हम मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे रेशे रेशे आए हैं इसके अंदर, इसी तरीके से रहे। खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा जब इसके रेशे आएंगे मुंह में, और पुदीना और प्याज के पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने पहले मिक्स कर लिया इसे। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आप कबाब बना के तैयार कर लीजिए जैसे होते हैं। इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ये इस तरीके से मैं कबाब बना रही हूँ। कबाबों को हम लोग तल लेते हैं, इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं हम इसे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट लग रहा है देखने में। और देखिए इस तरीके से हमारे कबाब बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ट्राई करेगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, रेशे रेशे आएंगे इसके मुँह में, और जो पुदीना डाला था उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे कबाब बन करके तैयार हो चुके हैं, रेशे वाले कीमे के कबाब, रेशे वाले कीमे के कबाब बन के तैयार हैं। आप इसे पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, मैं तो पूरी के साथ खाऊंगी। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने के लिए, प्याज के साथ में, और इसे आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।